नमस्कार दोस्तों, धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका संपादकीय शिवराज मंत्रिमंडल दिनांक जयपुर शुक्रवार 3 जुलाई 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार। प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरण का संकेत समझा जा सकता है विराम। नए मंत्रियों को शामिल करते समय कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को जिस तरह तरजीह दी गई है, उससे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का प्रभावित होना स्वाभाविक है विराम। गुरुवार को जिन 28 को मंत्री बनाया गया, उनमें 12 कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायक हैं, जो ज्योतिरादित्य समर्थक समझे जाते हैं विराम। मंत्रिमंडल में शामिल 33 मंत्रियों में अब तक एक तिहाई से ज्यादा कुल 14 मंत्री ज्योतिरादित्य समर्थक हो गए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में शिवराज की नहीं चली है। जिन मंत्रियों को वे शामिल करना चाहते थे, नहीं कर पाए हैं विराम। कमलनाथ के बयान की प्रतिक्रिया में उनका यह कहना है कि विष तो शिव पी जाते हैं, कुछ ऐसा ही इशारा है विराम। दूसरी तरफ भाजपा हाई कमान ने कमलनाथ सरकार गिराने के बदले ज्योतिरादित्य सिंधिया से किया वादा निभा दिया है विराम। संभव है राज्य की भावी राजनीति को लेकर भाजपा हाई कमान में अलग खिचड़ी पक रही हो विराम। हो सकता है हाई कमान की नजर उन 24 सीटों पर हो जहां अभी उपचुनाव होने हैं विराम, और उसके बाद स्थितियां फिर बदलें विराम। इनमें 22 सीटें वे ही हैं जहां के कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे कमलनाथ सरकार गिरा दी थी विराम। इनमें ज्योतिरादित्य के प्रभाव वाली ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें शामिल हैं विराम। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने राज्य मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को व्यापक प्रतिनिधित्व देकर शिकायत का मौका नहीं छोड़ा है विराम। अब उपचुनाव में ज्योतिरादित्य समर्थकों के प्रदर्शन से राज्य भाजपा में उनका भविष्य तय होगा विराम। पैरा। मध्य प्रदेश भाजपा में ज्योतिरादित्य के बढ़ते कद से पार्टी के पुराने नेताओं का नाराज होना स्वाभाविक है विराम। पिछले चुनाव में जिन पुराने नेताओं ने भाजपा के टिकट पर कांग्रेस से लोहा लिया था, हो सकता है इस बार उन्हें निराशा हाथ लगे और अपने पुराने प्रतिद्वंदियों के पक्ष में प्रचार करना पड़े विराम। क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद ज्यादा संभावना इसी की है कि उपचुनाव में भाजपा उन्हें को मौका दे विराम। उन सीटों पर जिन नेताओं ने पूरी जिंदगी भाजपा के साथ वफादारी की है, उनका क्या होगा और पार्टी उन्हें कैसे खुश करेगी, यह समय ही बताएगा।
वैसे निगमों और बोर्डों में नियुक्तियां देकर खुश करने का मौका अभी बाकी है। वर्तमान शिवराज मंत्रिमंडल में रीवा, जबलपुर और होशंगाबाद नर्मदापुरम संभाग को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टी के अन्य कद्दावर नेताओं को भी अपने समर्थकों को संतुष्ट करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो मंत्रिमंडल विस्तार से उम्मीद लगाए बैठे थे। पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि मुख्य रूप से दो दलीय राज्य होने और फिलहाल कांग्रेस के कमजोर दिखने से भाजपा में बगावत की आशंका नहीं दिखती विराम। इसके बावजूद वैसे लोग जो भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस समझते रहे हैं, उन्हें जरूर निराशा हो रही होगी, क्योंकि सरकार बनाने के लिए यह भी वह सब कुछ कर रही है जिसके लिए अब तक कांग्रेस बदनाम रही है विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।